अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इजी है। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद हमने क्या लिखना है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ, ये इक्वेशन लिखना है, 2x² + 3x + 1 = 0। अभी हम सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये किस चीज का इक्वल होता है, या इक्वल होते हैं माइनस बी डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पे आपने लिखना है ए की कीमत, इसमें हमारे पास 2 है, और बी की यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेयर ए इक्वल, ए की जगह 2 लिखते हैं, बी बी की जगह 3 पुट करेंगे और सी की जगह 1 पुट करेंगे। ये पहले हमने अपने लिए लिख लिया, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मनफी अपनी जगह पे आ जाएगा, और बी की जगह ये 3 आ जाएगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है अल्फा बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपके पास सी डिवाइड बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा बीटा सी की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ए की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो जाएगा। अभी हमारे पास होगा, नाउ हमने ये इक्वेशन लेना है, ये अल्फा बीटा, अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय ए। अभी इसका हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा। जब ये एलसीएम आएगा तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए रह जाएगा, तो ये ए और ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फिर ये प्लस आ जाएगा, अभी ए ए कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अभी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ का इक्वल होता है, ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मनफी 2 अल्फा बीटा, और डिवाइड नीचे यही आ जाएगा अल्फा बीटा। इसमें हम अब वैल्यू, इक्वेशन बन गया, ये फार्मूला आ गया, इस फार्मूले में हमने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह यह आ जाएगा मनफी 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर मनफी 2, अल्फा बीटा की जगह यह आ जाएगा 1 और 2, यह आ जाएगा 1 और 2, और नीचे भी अल्फा बीटा नीचे भी यही आ जाएगा 1 और 2। अब ये आपके पास मनफी 3 दो दफ़े, मनफी 3 मल्टीप्लाई मनफी 3, ये आपके पास 9 हो जाएगा, ये आपके पास 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मनफी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा 1 और 2। इस स्टेप को हम आगे इधर ही कर सकते हैं। यहाँ पे ये 4 हम एलसीएम लेंगे, ये जो 4 हम एलसीएम लेंगे, तो ये 4 जो एलसीएम लिया, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9 रह जाएगा, और यही 4 अगर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 4 1 4 आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। इसी स्टेप को अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये 9 से जब 4 जाएगा, बचेगा हमारे पास 5 और नीचे 4, और ये 1/2 है, ये 1/2 को अभी मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 5 और ये 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 और डिवाइड 2 और 1 हो जाएगा, ये 2 1 और 2 और 2 2 4, यानी 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 आ जाएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 डिवाइड बाई 2। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई होगी, बहुत ही ईजी सवाल है। फिर भी अगर कोई आपके पास कोई मसला हो तो आप वो प्रॉब्लम हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।